अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी। एंड दोस्तों, आज मैं आपकी कन्फ्यूजन क्लियर करने आया हूँ। 25 से 30 हज़ार रुपये के अंदर एक अच्छा फ़ोन आपको बाय करना है। कन्फ्यूज्ड हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो मेरा काम है डिसाइड करवाना। मैं अपने हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको अच्छी वैल्यू दे सकती हैं, वो सजेस्ट कर दूंगा। आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से उनमें से कोई भी ऑप्शन डिसाइड करेंगे, कोई भी डिवाइस बाय करेंगे, आपको एक अच्छी वैल्यू मिलेगी। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक शॉर्ट मैसेज आज के स्पॉन्सर्स की तरफ से, जो है फेमीसेव। इट्स अ पेरेंटल कंट्रोल ऐप डेट हेल्प पेरेंट्स टू कीप चेक ऑन देयर किड्स। यानी आजकल के टाइम पे बच्चों को टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स वगैरह देने पड़ते हैं, पेरेंट्स को टेंशन रहती है कि बच्चा कोई गलत एक्टिविटी में ना पड़ जाए। तो विद फेमीसेव ऐप पेरेंट्स कैन नो एग्जैक्टली व्हाट देयर किड्स आर डूइंग ऑन देयर स्मार्टफोन्स। इसके दो वर्जन है, चाइल्ड के फोन के लिए अलग वर्जन है, पेरेंट्स के फोन के लिए अलग वर्जन है। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। यहाँ पे सेटअप करना बहुत ईजी है। उसके बाद जब सेटअप कर लोगे तो जो मेन फीचर है उनमें रियल टाइम लोकेशन बच्चे की देखी जा सकती है कि वो कहाँ पे है, कितने टाइम से है। उसकी लोकेशन हिस्ट्री को देखा जा सकता है, वो कहाँ कहाँ पे आया गया है। और उसके अलावा उसकी डेली एक्टिविटी रिपोर्ट देखी जा सकती है, किस टाइप के कॉन्टेंट को एक्सेस कर रहा है, कौन सी ऐप्स को यूज़ कर रहा है, कितने टाइम के लिए यूज़ कर रहा है। आप उसको भी लिमिट कर सकते हो, इनअप्रोप्रिएट वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकते हो, उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह देखी जा सकती है सारी। और भी इसके अलावा कई जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप पेरेंट्स नोटिस करते हैं तो उसको पे एक्शन लिया जा सकता है। मजीद पेरेंट कंट्रोल भी है इसके अंदर। सिंपल टू यूज है, इजी ऐप है, क्रॉस प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है, विंडोज, iOS एंड एंड्रॉयड के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो, मजीद डिटेल से आना चाहते हो और फ्री ट्रायल के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर 21,000 रुपए के अराउंड आपका बजट है तो आप देख सकते हो Realme C21 Y की तरफ। डेढ़ मंथ पहले आया, स्टिल अवेलेबल आज की डेट में। 23 प्राइस है, 21,500 या 21,000 रुपए तक आपको मिल जाएगा मार्केट से। ये जो परफॉर्मेंस है ना, मेनली इसमें आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। मतलब डे टू डे यूज में आपका हैवी यूज है, अच्छा चलेगा, हैंग नहीं होगा। पबजी खेलनी है, अच्छा चलेगी, 40 FPS तक जायरो हार्डवेयर वाला है, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। और बाकी हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, कैमरास बिलो एवरेज हैं, मतलब ठीक है, गुजारा। डिज़ाइन डिवाइस का सही है, चल जाएगा। और 5000 mAh की बैटरी, एक दिन का आपको बैटरी बैकअप भी दे जाएगी। डिस्प्ले 720p है, लेकिन ठीक है, डिस्प्ले रियलमी के कुछ बेटर ब्राइट होते हैं। और ओवरऑल 21,000 रुपये के अंदर एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज बन जाता है, आप इस फोन की तरफ देख सकते हो। ऑल्दो रियलमी ने C25S भी 464 वाला ऑनलाइन लॉन्च किया था 22-23 में, वो इससे अच्छा फ़ोन है, लेकिन वो अब मिलता नहीं है, ठीक है। तो अगर 21,000 रुपये के अराउंड अभी चाहिए आपको रियलमी का कोई फ़ोन, तो इस फोन की तरफ आप देख सकते हो। और अगर आपका बजट 23,000 के राउंड है कहीं पे, तो फिर आप कैमन 70 ले सकते हो टेक्नो का। 5 मंथ पहला फ़ोन है, स्टिल मार्केट के अंदर अवेलेबल है, 25 प्राइस है, 23,500 में आपको मिल जाएगा। तो एक कंसीडरेबल ऑप्शन है, बिकॉज रिसेंटली टेक्नो ने स्पार्क 70 लॉन्च किया है 22 प्राइस के अंदर, हीलियो G35 चिपसेट के साथ। मतलब टेक्नो के ऊपर ना थोड़े सस्ते नशों के साइड इफेक्ट आ रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि पुराना फ़ोन है, प्राइस भी अच्छी मिल रही है, फीचर भी अच्छे हैं। स्लाइड में लिख दिया मैंने इसका, डिटेल में रिव्यू किया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़्यादा डिटेल आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। तो अच्छी बात मुझे ये लगी है कि इस फोन को रिसेंटली एंड्रॉयड 12 का अपडेट आया, और ये एक बहुत वेलकम अपडेट है, जहाँ पे टेक्नो अक्सर अपने फोन्स में अपडेट नहीं देता था, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा 6128 का कम्बिनेशन है, हीलियो G85 का चिपसेट है, आपको डे टू डे हैवी यूज़ है, अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। गेमिंग करनी है तब भी परफॉर्मेंस अच्छी है, बस जायरो सेंसर की कंजूसी है, जायरो सेंसर नहीं है इस फोन के अंदर। और बाकी बैटरी वाली साइड से भी सही है, डिज़ाइन भी सही है, 90 Hz वाला सही है। मतलब अगर सम अप करें ना, तो 23,000 के अराउंड एक स्टिल अच्छा पैकेज है, आप इस को ले सकते हो। कैमरा के लिए एक डेडिकेटेड कैमरा फोन नहीं है, काइंड ऑफ डिसेंट कैमरा फॉर द प्राइस सेगमेंट। क्योंकि अक्सर दोस्त कैमरा के लिए बाय करके मुझे कह रहे थे, भाई कैमरा मतलब वो मजा नहीं, भाई ये कैमरा फोन है ही नहीं, ये परफॉर्मेंस फोन है, ठीक है। ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है, 23,000 के अराउंड आप इसको ले सकते हो। और 23 से 24,000 रुपए के अंदर एक और अच्छा फोन है, इन्फिनिक्स हॉट 11S, रिसेंट आया है, अच्छे फीचर्स आपको देता है, सारे स्लाइड में लिख दिए हैं। मेरा डिटेल रिव्यू देखना है इस फोन के बारे में, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हो। कुछ मुद्दे की बातें करें तो डिजाइन अच्छा है, रिफ्रेशिंग है, और डिस्प्ले फुल एचडी प्लस है, साथ में 90 Hz का जो कम्बिनेशन बनाया, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। और साथ में आपको हीलियो G88 की एक अच्छी सॉलिड सी परफॉर्मेंस मिलती है, तो डे टू डे हैवी यूज़ भी है, गेमिंग भी करते हैं अच्छा है, जायरो सॉफ्टवेयर वाला है, ये चीज़ देख लेना। बाकी बैटरी बड़ी है, यहाँ पे बैकअप शैकअप अच्छा मिल जाता है, 18 वाट की चार्जिंग भी है। और कैमराज देखा जाए तो डेडिकेटेड कैमरा फोन नहीं है, बैक पे सिंगल कैमरा, मतलब वैसे तो ट्रिपल है, 50 MP प्लस 2 MP का, और एक मेरा रेलुकट्टा सेंसर, जो ज़रा नंबर गेम को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए होता है, और उसका कोई काम नहीं है। और फ्रंट सेल्फी 8 MP की। तो फोटोग्राफी की हद तक थोड़ी चीज़ें इंप्रूव देखने को मिलती है इमेज प्रोसेसिंग में, लेकिन वीडियोग्राफी में बस ओके। मतलब कैमरा फोन नहीं है भाई, ये परफॉर्मेंस फोन है, आप इस फोन की तरफ देख सकते हो। 4128 वाला, 25 प्राइस है, 23,500 में आपको मिलता है, एक अच्छी वैल्यू दे सकता है। और एक और बेहतर ऑप्शन मैं कह सकता हूँ आपको मिल जाएगी, इन्फिनिक्स नोट 10 की शक्ल में। 3-4 मिनट पहले फोन आया था, अब देखें
हर फोन इन्फिनिक्स की तरफ से आ रहा है। रीज़न क्या है, आपको बेटर वैल्यू मिल रही है, ठीक है। ये कोई वीडियो इन्फिनिक्स स्पॉन्सर्ड नहीं है। रीज़न ये है कि बाकी ब्रांड इस टाइम पे वीवो, ओप्पो, सैमसंग सस्ते नोशों में चल रहे हैं, नोकिया वैसे ही पागल हो गया है, और रियलमी भी अब थोड़ा सा ना मतलब आगे पीछे हो रहा है चीज़ें। C25Y देख लें, टोटली ओवर प्राइज, और शाओमी ने भी थोड़े से ना झूले लेने स्टार्ट कर दिए जब तक वो फैक्ट्री नहीं लगा लेते। तो बहरहाल जो ब्रांड अच्छा काम कर रहा है वो लिस्ट में जगह बनती है उसकी। और ये फ़ोन आप ले सकते हो अगर आपको हॉट 11S नहीं लेना। बड़ा डिस्प्ले है, आल तो 60Hz का है, ठीक है, गुजारा चल जाएगा। परफॉर्मेंस अच्छी है फोन की, G85 है, बड़ी बैटरी, 18 वाट की चार्जिंग भी मिल जाती है। बैक पे 48+2+2 का कम्बिनेशन है, फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल। डिटेल में रिव्यू किया हुआ मैंने इस फोन को, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख सकते हो। प्राइस 28,000 है, 26,000 का अगर आपको मिलता है तो इन्फिनिक्स नोट 10 मैं समझता हूँ एक स्टिल कंसिडरेबल ऑप्शन है, आप इसको ले सकते हो। और 25 से 26 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर एक और फ़ोन है परफॉर्मेंस लवर के लिए, गेम लवर के लिए। डिवाइस है टेक्नोपोवा 2, 2 से 3 महीने पहले आया था, 29 प्राइस है, इनवॉइस प्राइस ज़्यादा है लेकिन डिस्काउंट अच्छा मिल जाता है 25.5-26 में। ये डिवाइस ऑफलाइन में इजीली अवेलेबल है डिस्काउंट के बाद। तो ये फीचर मैंने इसके लिख दिए हैं, इस रेंज के अंदर आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, आपको अच्छी गेमिंग चाहिए, आपको एक बिग बैटरी चाहिए 7000mAh की, जायरो भी हार्डवेयर वाला है इसका, 6GB 128GB रैम स्टोरेज का कम्बिनेशन भी है, डिस्प्ले बड़े साइज के, आल तो 60Hz का है, 180Hz का टच सैम्पलिंग है। तो चीज़ें मतलब सही हैं, एक वैल्यू निकल आती है इस फोन की कहीं ना कहीं पे। तो कैमरास काइंड ऑफ एवरेज है, गेमिंग रिव्यू मैंने इसका किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख सकते हो। तो पोवा 2 जो डिवाइस है ना, मतलब परफॉर्मेंस लवर, गेम लवर डेफिनेट कंसिडर कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अगला फोन मेरी लिस्ट के अंदर कैमन 18T, ये टेक्नो की 18 सीरीज की डिवाइस है और अच्छे डिज़ाइन दिए इन्होंने इस बार, और 28 प्राइस है इस फोन की, 25-25,500 में आपको मिल जाता है। तो डिस्काउंट अच्छा मिल जाएगा टेक्नो के फोन्स पे। ये प्राइस के ऊपर ये डिवाइस कंसिडरेबल है, डिज़ाइन अच्छा है, कैमरा यूज़र को टारगेटेड है, फ्रंट साइड पे जो 48 मेगापिक्सल भर के मेगापिक्सल दिए गए हैं ना, वो मैं समझता हूँ कि 48 की जगह 108 भी लगा दो, जब तक इमेज प्रोसेसिंग बेटर नहीं होगी आपकी, मतलब दूसरी ऑप्टिमाइजेशंस बेटर नहीं होंगी, तो वो 48 मेगापिक्सल वो अपनी कैपेसिटी के ऊपर प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो काइंड ऑफ इसके जो मैंने कैमरा सैंपल देखे हैं, मैं कहूंगा प्राइस रेंज के हिसाब से ओकेश कैमरा है और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं है, अगर कोई मतलब आपके माइंड में ऐसी चीज़ हो ना। तो बैक साइड पे अगर अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया जाता 48 के साथ तो वो फिर अच्छा था। परफॉर्मेंस इन्होंने हीलियो G85 की रखी है, अच्छी परफॉर्मेंस है, हैवी यूज़ भी करोगे तो सही चलेगा, कोई हाई रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पे नहीं मिलता और जायरो सेंसर नहीं है इस फोन के अंदर। तो गेमर्स अगर लेना चाहते हो तो फिर आप पोवा 2 ले लो, वहाँ पे आपको हार्डवेयर, अगर आप जायरो के साथ खेलते हो, नॉन जायरो प्लेयर हो तो देख सकते हो, डिज़ाइन अच्छा है, कैमराज काइंड ऑफ मतलब ओके ठीक है, मतलब डिवाइस वैल्यू फॉर मनी बन जाती है 25-25 में, कैमन 18T भी आप ले सकते हो। अगला फोन मेरी लिस्ट के अंदर जो आपको अच्छी वैल्यू दे सकता है वो है गेन इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो। अब भाई कहाँ से लाऊं मैं दूसरे ब्रांड, जब मतलब दूसरे वो ब्रांड ही कुछ नहीं कर रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब स्टिल एक अच्छी वैल्यू है। 32 में इसकी मतलब आया था जब लॉन्च हुआ, अभी 34 प्राइस हो गई है लेकिन मिल जाता है मार्केट से 31.5-32 के अंदर। फीचर्स को देखा जाए प्राइस को जस्टिफाई करते हैं भाई, 120Hz यहाँ पे IPS भी आपको मिलता है, 8:1:8 का कम्बिनेशन भी मिलता है, और कैमरा 64 भी है बैक पे, टेलीफोटो भी लगा हुआ फ्रंट, आपको सेल्फी भी 16 मेगापिक्सल। लेकिन मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि ये कैमरा फ़ोन नहीं है, कैमराज काइंड ऑफ ठीक है, मतलब डिसेंट वाली साइड से गुजारा कर जाएंगे। बेसिकली एक गेमिंग फ़ोन है, हीलियो G96 चिपसेट है, परफॉर्मेंस अच्छी आपको मिलेगी मैंने खेलते हुए, हाल दो इसका G95 के मुकाबले में GPU थोड़ा डाउनग्रेड है लेकिन मुझे कोई इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, जायरो हार्डवेयर वाला परफॉर्मेंस मुझे सही मिल रही थी। रिव्यू आएगा कुछ दिनों में, उसमें हर चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा। प्राइस पॉइंट के ऊपर देखा जाए तो इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो आप कंसिडर कर सकते हो, या फिर अगर आपको इन्फिनिक्स नहीं लेना तो फिर टेक्नो ले लो भाई, मतलब दो ही ब्रांड खेल रहे हैं इस टाइम पे। कैमन 18P आप देख सकते हो, सेम वही फीचर हैं जो इन्फिनिक्स के नोट 11 प्रो में मिलते हैं, सिर्फ बैक कैमरा थोड़ा सा मतलब 48 है 64 की जगह पे। तो कैमरा फोन ये भी नहीं है, इसके मेरे पास फोन आया हुआ है, इसकी भी आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर दोनों का कंपैरिजन चाहिए तो वो भी मुझे बता देना, इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो और कैमन 18P डेफिनेट मैं कर दूंगा। और कैमन 18P की भी प्राइस 35 है, आपको ऑफलाइन में 31 मतलब इजीली बड़े डिस्काउंट के बाद मिल जाता है। तो ठीक है, ये भी ऑप्शन आप परफॉर्मेंस लवर देख सकते हो, 120Hz वाले देख सकते हो, ओवरऑल वैल्यू वाले देख सकते हो, लेकिन बस वही है कि कैमरास काइंड ऑफ एवरेज है।
वैल्यू आपको मिल जाएगी। और अगर आपको एमोलेड डिस्प्ले वाला फ़ोन चाहिए अंडर 30,000, तो फिर आप ले सकते हो इन्फिनिक्स का जो लेटेस्ट टनर आया ना, इन्फिनिक्स नोट 11। अब ये फ़ोन मैंने डिटेल में रिव्यू किया हुआ है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख सकते हो। अगर कुछ मुद्दे की बातें करें तो 30 के अराउंड प्राइस है, 4128 वाले की आपको ऑफलाइन में 27.5-28 तक मिल जाता है, एक अच्छा प्राइस टैग है। एमोलेड डिस्प्ले देने वाला अवेलेबल फ़ोन्स में से ये फ़ोन है। ऑल्दो इससे पहले हमने कई फ़ोन्स देखे हैं एमोलेड डिस्प्ले के साथ, लेकिन अभी अवेलेबल डिवाइसेज में यही फ़ोन है। बट ये जो एमोलेड है ना, ये 60 हर्ट्ज वाला पैनल है, तो वो जो 90 हर्ट्ज की स्मूथनेस है ना, वो नहीं मिलती, हल्के फुल्के जिटर मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी अच्छी है। और चिपसेट भी अच्छा है, हीलियो G88 का, परफॉर्मेंस काइंड ऑफ अच्छी है। जायरो सेंसर हार्डवेयर वाला इन्होंने लगा दिया है। कैमरा सेटअप बैक पे 50 मेगापिक्सल का रखा है, साथ में दो दो की वो थोड़ी बहुत गेम खेली है। फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, तो फोटोग्राफी की हद तक मैंने इमेज प्रोसेसिंग के अंदर इंप्रूवमेंट्स देखी हैं यहाँ पे। तो बाकी है कि काइंड ऑफ डिसेंट कैमरा मैं रेट करूंगा, अभी भी मैं इसको एक कैमरा फोन नहीं कहता, ठीक है। लेकिन ओवरऑल सम अप करें तो एक पैकेज बन जाता है, जहाँ पे 5000 mAh की बैटरी भी है, 33 वाट की चार्जिंग भी है। ये एक अच्छा प्राइस टैग है इस फोन के लिए, डिजाइन भी अच्छा है, एक बॉक्सी और इन एंड फील भी अच्छा है। इन्फिनिक्स नोट 11 आप ले सकते हो। और फाइनली मैं आपको यहाँ पे Xiaomi का भी एक फ़ोन रिकमेंड करने वाला हूँ, जो पहले मैंने इतना रिकमेंड नहीं किया था, अभी क्योंकि ज़रा सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है। डिवाइस है Redmi 10। 3 महीने पहले जब आया था ना, तो उस टाइम पे कंपटीशन के हिसाब से ज़रा चीज़ें आगे पीछे थी, मैंने आपको बताया था प्राइस मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लगी है। अभी क्योंकि हर फ़ोन की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो उसकी वजह से चीज़ें स्टैंड करना स्टार्ट हो गई हैं। इसकी भी प्राइस बढ़ गई है, 32 है, लेकिन 30 तक आपको मिल जाता है। 30 प्राइस रेंज के हिसाब से अगर देखें ना, अगर आपको इन्फिनिक्स टेक्नो नहीं लेना, तो फिर आपके पास ये चॉइस है। तो डिवाइस अच्छी है, खूबसूरत है, हैंडी है, और बाकी फीचर मैंने स्लाइड में लिख दिए हैं। 4128 का कम्बिनेशन, हीलियो G88 चिपसेट है, परफॉर्मेंस के अंदर अच्छी है, 90 हर्ट्ज़ वाला IPS पैनल भी है, पैनल की क्वालिटी भी सही है, चलने में भी स्मूथ है, बड़ी बैटरी के साथ 18 वाट की चार्जिंग का कम्बिनेशन भी है। और कैमराज भी देखा जाए तो क्वाड है, बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, उसमें अल्ट्रा वाइड भी है, फ्रंट 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है, और Xiaomi की जो इमेज प्रोसेसिंग है ये भी इंप्रूव्ड है। तो ओवरऑल मुझे 30,000 के अंदर स्टिल अब इसके फीचर्स के हिसाब से एक अच्छी ऑप्शन लग रही है। बाकी अगर आप कहेंगे इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू करने को, तो डेफिनेट मैं आपके लिए कर दूंगा, ये ऑप्शन भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे मेरी आज की लिस्ट के ऐसे बेस्ट फोन्स जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। और आई होप कि अगर कोई कन्फ्यूजन थी वो क्लियर होगी होगी, और आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से किस फोन को बाय करना है। तो मैंने जो भी फ़ोन लिस्ट के अंदर बताए हैं, आप मुझे वीडियो के कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस फोन को चूज़ करते, अगर आपको बाय करना होता ना कोई डिवाइस, तो किसको बाय करते। आपके फीडबैक का मैं वेट करूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो यहीं तक थी, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने अपने चाहने वालों का बहुत सारे ख्याल रखिएगा। बबलू लाहौरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।